हेलो गाइस, तो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि मेरी शादी जब पहली बार टूटी थी तो उसके बाद मैंने किस तरह से अपने लाइफ को सही ट्रैक पे लाने की कोशिश की, वहाँ पे वीडियो ख़त्म की थी। तो आज मैं उस एरिया से शुरू करना चाहती हूँ कि 2013 में मेरी शादी जिस वक्त होते होते रुक गई थी, शादी वाले दिन शादी टूटी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। तो फिर 2014 एक साल लगा मुझे अपने आप को सही दिशा दिखाने के लिए, सही रास्ता चुनने के लिए, बिकॉज़ मैं बहुत भटक चुकी थी। पर मैंने खुद को समझा के खुद अपने बलबूते पे वापस से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश की। तो मैं जॉब ज्वाइन किया और नए नए लोगों से मिलना शुरू की, तो मुझे अपनी तीसरी रिलेशनशिप वहाँ से शुरू हुई। सो मैं एक यासिर नाम के इंसान से मिली थी और वो इंसान मेरे लाइफ में मेरा सच्चा प्यार कह सकते हैं, वो हुए सबसे ज़्यादा सही वाला। अगर कोई रिश्ता मेरे लाइफ में हुआ है तो वो था यासिर के साथ, और सबसे ऑनेस्ट और अच्छा वाला रिलेशनशिप मेरा सिर्फ उन्हीं के साथ हुआ है। आज तक उस एक रिश्ते के अलावा बाकी कोई भी रिलेशनशिप मेरा इतना अच्छा नहीं रहा है। सो यू कैन से दैट वाज द बेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ, दैट वाज द बेस्ट रिलेशनशिप ऑफ माय लाइफ। और इसलिए मैं इस एक शख्स का नाम तक ले रही हूँ, बिकॉज़ पिछले सारे वीडियोज़ में मैंने कभी किसी इंसान का पूरा नाम नहीं लिया है, लेकिन इस एक वीडियो में इस इंसान का मैं नाम जिक्र करना चाह रही हूँ। तो ही वॉज़ द ओनली पर्सन जिनके साथ मैं सबसे ज़्यादा खुश रही हूँ। तो यासिर से मैं मिली थी 2015 में, मैं जहाँ ज्वाइन की थी जॉब के लिए वहाँ पे हम लोग कोलीग्स थे, और वो एक नाइट जॉब हुआ करता था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में। सो बहुत सुंदर कैंपस था, बहुत बड़ा कैंपस था, एकर्स एकर्स वाले ज़मीन में इतना अच्छा गार्डन वाला सुंदर लैंडस्केप वाला जगह था। इट वॉज़ वेरी रोमांटिक। तो जब हम मिले थे तो हम रात रात भर एक दूसरे के साथ वहाँ गार्डन्स में घूमते रहते थे, और एक बार हमारा काम ख़त्म हो जाने के बाद हम वहाँ पे हैंग आउट कर रहे थे, और कब बात करते करते सुबह हो गई पता भी नहीं चली। एंड मैंने उनको कहा था कि आपको घर नहीं जाना है, तो ही सेड जहाँ घर वाली वही घर। तो वहाँ से शुरुआत हुई रिश्ते की, और इतने ही छोटे छोटे स्वीट स्वीट पल दो साल कट गए इसमें। एंड पहले से ही हमको मालूम था कि हमारे रिश्ते में शायद कोई ना कोई रुकावट ज़रूर हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो कश्मीर से है, तो उनके वहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग होता है और हमारे यहाँ का माहौल बहुत अलग। मेरे घर से तो कोई तकलीफ़ नहीं थी इस रिश्ते को लेके, लेकिन उनके घर में ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं था हमारा रिश्ता। और हम पहले से जानते तो थे कि कुछ ना कुछ मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे तो दुनिया उम्मीद पे ही कायम रहती है ना, तो हम भी वैसे उम्मीद लेकर ही चल रहे थे। और उन्होंने काफ़ी बार अपने घर से रजामंदी लेने की कोशिश की, घर वालों से बात करने की कोशिश की हमारे रिश्ते के बारे में, पर ये ना हो सका। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो बहुत सारे भाई बहन थे उस फैमिली में, और उनके ऊपर एक ही बड़ा भाई था और फिर ये थे, और उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे भाई बहन थे जो लोग तब भी स्कूल में पढ़ रहे थे। तो घर का जो मेन खर्चा चलाना होता था वो उनके बड़े भाई और वो चलाते थे, और ऐसे में अगर उनका शादी मुझसे होती तो वो लोग अगर फैमिली में नहीं एक्सेप्ट करते तो उन्हें अलग हो जाना पड़ता, और अगर उनसे उनके घर वाले रिश्ता तोड़ देते
तो घर का खर्चा फिर कौन चलाता? फिर पूरा खर्चा उनके बड़े भाई के ऊपर ही आता और वो अकेले इतने बड़े फैमिली को नहीं चला पाते। तो फाइनेंशियली इट वाज इम्पॉर्टेंट कि वो और उनके भाई दोनों मिलके घर चलाएं, और दोनों मिलके साथ में मिलजुल के रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो जिनसे शादी करे उनके साथ उनके घर वालों का सही से बने। और हमारे केस में ऐसा था कि अगर वो मुझसे शादी करते तो उन्हें अपने घर से अलग होना पड़ता। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ और ज़िम्मेदार होती अगर मैं उन्हें अपनी फैमिली से अलग कर देती तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच थे अपने फैमिली के साथ। उन लोगों के फैमिली बॉन्डिंग बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। वो लोग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि वो अपने फैमिली को छोड़ के अलग मेरे साथ रहेंगे तो वो खुश रह पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगा था। क्योंकि इतना जो इंसान अपने फैमिली से क्लोज है वो अपने फैमिली को छोड़ छाड़ के कितना ही दिन रह पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर मैं ज़िम्मेदार हूँ उसको अपने फैमिली से दूर कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं जाके हमारे प्यार में भी इसका असर पड़ेगा। और कुछ दिनों बाद शायद वो मुझे हेट करने लगे, शायद उसे लगने लगे कि मेरे वजह से वो अपना परिवार खोया है, और वहाँ से शायद हमारे रिश्ते में दरार पैदा हो सकता है। तो मुझे समझ में आ चुका था कि ये रिश्ता तो ज़्यादा दिन फिर टिकने वाली है नहीं, इसका तो फ्यूचर फिर होने वाला है नहीं। हालांकि हम दोनों ने काफ़ी कोशिश की अपने फैमिलीज को मनाने के लिए। उन्होंने मुझे एक बात, बहुत अच्छी बात बताई थी कि 25 महीने के रिलेशनशिप के लिए 25 साल का रिश्ता हम कैसे छोड़ सकते हैं, विच इज़ सो ट्रू। उस वक्त उनकी उम्र 25 थी, मेरी भी उम्र 25 थी, तो उन्होंने ये कहा कि 25 साल जो हम अपने परिवार वालों के साथ रिश्ता बनाए हैं वो इस 25 महीने के रिलेशनशिप के लिए कैसे हम छोड़ दें। तो ये वाली बात कितनी अच्छी वाली बात है जो हमें समझना चाहिए कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि वो अपने प्यार के लिए अपने परिवार वालों को छोड़ देते हैं, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर वो परिवार वालों का ग्रेटफुलनेस नहीं कर सकते हैं, परिवार वाले जो उनके लिए इतना कुछ किए हैं वो अगर अपने परिवार का सगा नहीं हो सकते हैं, तो किसी नए रिश्ते के लिए उस इंसान का सगा कैसे होगा? वो किसी नए रिश्ते में लॉयल्टी कैसे दिखाएगा जब वो अपने पुराने किसी रिश्ते में ही लॉयल नहीं रह सका? तो जिन्होंने उन्हें पला बढ़ा, जिन्होंने उनकी पूरी ज़िंदगी का ख्याल रखा, वो अपनी ज़िंदगी में लायक बन के उन्हें ठोकर मार देंगे। तो ये एक इंसान का पहचान दिखाता है कि वो इंसान फिर है ही कैसा। तो अगर आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो नए नए लव रिलेशनशिप्स के लिए अपने परिवार वालों को तक छोड़ रहे हैं, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर वो ये वाला रिश्ता नहीं निभा सके हैं तो आगे जाके भी उनकी ज़िंदगी में काफ़ी दरारें पैदा हो सकती है। तो क्या वो उस समय रिलेशनशिप निभा पाएंगे? दिस बिकम्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसलिए मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जहाँ जो रिश्ता सबके रजामंदी से होता है, जहाँ एक रिश्ते की वजह से या एक इंसान की वजह से परिवार में दरार नहीं पैदा होता है, वही रिश्ता लंबा चलता है, वरना रिश्तों को चलाने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। हालांकि ये बात तो सही है कि काफ़ी बार भी ऐसा होता है दैट शुरुआत में अगर दोनों को एक्सेप्ट नहीं भी किया जाता है, बट आगे जाके परिवार वाले एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। जब शादी हो जाती है या फिर बच्चे हो जाते हैं तो परिवार वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, अक्सर ये ऐसा देखा जाता है। लेकिन हमारे केस में तो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता, ये हम समझ चुके थे। तो वहाँ मुझे एक बहुत टफ डिसीजन लेना पड़ा। मैं समझ गई थी कि यहाँ वो इतने अच्छे इंसान हैं कि वो खुद से तो ये रिश्ता तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो मुझे बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक कश्मकश में है कि वो क्या करे। मुझे भी ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, अपने परिवार वालों को भी ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। तो उनका ये इतना बड़ा जो एक हेजिटेशन है, इसको दूर करने के लिए मैंने स्टेप इन किया। मुझे लगा कि फ़ैसला भी मुझे ही करना पड़ेगा, वो नहीं कर सकेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो मैंने
ये स्टेप लिया और मैंने उनसे कह दिया कि इट्स ओके, ही कैन चूज़ हिज फैमिली एंड आई विल बी ओके विद दैट। तो हालांकि दिल पे पत्थर रख के मुझे ये फैसला लेना पड़ा, बट वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी है कि सच्चे प्यार में सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात सैक्रिफाइस होती है। अगर आप किसी रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस करते हैं ना, तो तब जाके मालूम पड़ता है कि वो सच्चा प्यार था। प्यार हासिल करने का नाम नहीं होता है। वो रिश्ता मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाया कि मैं उससे सच्चे दिल से प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर प्यार हासिल करने का नाम नहीं होता है। हालांकि आप जितना भी एक इंसान से प्यार कर ले, अगर आप उन्हें हासिल नहीं कर सके, तो इस बात को जुनून वाली बात मत बना लीजिए कि किसी भी तरह उन्हें हासिल करना है। अक्सर हम देखते हैं कि आखिर में हासिल तो हो जाता है इंसान, पर प्यार बर्बाद हो जाता है उसकी वजह से। इस बात का बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि फाइनली क्या होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। आप शायद जंग जीत जाओ, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? यू विल परहैप्स इवन लूज द लव विच यू हैड। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट? ये एक बहुत बड़ी सीख मिली मुझे इस रिश्ते से। तो दैट वॉज़ माई थर्ड रिलेशनशिप। और उस रिलेशनशिप के बाद फिर ऑब्वियसली आई वॉज अगेन बैक टू बींग सैड एंड डिप्रेस्ड, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी हार्ट ब्रेक्स जो मुझे ऑलरेडी हो चुके हैं, उनसे उभर पाना मेरे लिए इतना मुश्किल रहा, और ये वाला रिश्ता भी वर्कआउट नहीं किया। सो ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि फिर मेरे लिए उस चीज़ को उभर पाना कितना मुश्किल रहा होगा। बट आफ्टर दैट आई फाइनली गॉट द पर्सन दैट जिनसे मेरी शादी हुई। तो वो चैप्टर मैं इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर।